भगाए रोग, अब चरितार्थ होने लगा है। योग की स्वीकारता देश ही नहीं विदेशों में भी काफी तेजी से हो रही है। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया, देश भर में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग व्यक्ति को कितना स्वस्थ रखता है इसकी जानकारी दी गई। 21 जून को मनाए गए इंटरनेशनल योग दिवस पर देखिए एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, आज हम मौजूद हैं जितेंद्र बहल पार्क गुड़गांव। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं और आज हम बात करेंगे इसी मौके पर आयुर्वेद और योग विशेषज्ञ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से। डॉक्टर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी मौके पर एक छोटा सा सवाल, स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में योग किस तरीके से महत्व रखता है, या यूँ कहें कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है? देखिए, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद केवल बीमारी ना हो इसको स्वास्थ्य नहीं मानता। हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य को एंजॉय करें, आपको संपूर्णता में स्वास्थ्य हो, तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है बल्कि गर्व है कि योग ही इस विश्व की एक ऐसी विधा है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपके स्वास्थ्य को संपूर्णता से दे सकता है, पूर्णता से दे सकता है, श्रेष्ठता से दे सकता है। तो सीधा सा मैसेज है कि यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको योग को अपनाना ही होगा। योग ही एकमात्र रास्ता है जिस पे चल के आप संपूर्णता और श्रेष्ठता के स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। 58 साल की उम्र में मैम ने नी रिप्लेसमेंट कराया और नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद में योगा को नियमित रूप से फॉलो कर रही हैं, और क्या कुछ लाभ इन्हें योगा से मिल रहा है ये आज हमें बताएंगे। मुझे योगा से एकदम मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है और आराम से मैं किसी भी आसन को लगा सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी कोई परेशानी है नी रिप्लेसमेंट के बाद, और उस योग से बहुत मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी हो गई है। अगर स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ से, किसी भी रोग से अगर दूर रहना है तो आपको योग करना पड़ेगा। वर्तमान में अगर आप ज़िंदगी को देखेंगे और विशेष तौर पर जो बड़े शहर हैं जैसे गुड़गांव हैं, ज़िंदगी इतनी भागम भाग भरी है कि आपके ऊपर प्रेशर डालती है, आदमी की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर आप निरंतर चलायमान रखना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, दिमाग को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और उसके लिए योग एक बहुत बड़ा सहारा है।